हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब दोस्तों। सातवां जब नवरात्र होता है, आनंद सा छा जाता है, अंधकार सा रूप लेकर माता पूजी जाती है। दिल कहता है ऊंचा है भवन मैया, ऊंची तेरी मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुकते हैं बादल, पर्वत पे लगी शैया तेरी, हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम सभी की चहेती काल रात्रि की। या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र की सप्तमी तिथि देखते ही देखते आप पहुंची है काल रात्रि शब्द, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, काल और रात्रि। काल यानी कालिमा या मृत्यु की रात्रि, और रात्रि यानी निशा, रात और अस्त हो जाना। इसलिए देवी काल रात्रि का वर्ण अंधकार की भांति कालिमा लिए हुए है, और ये काले वर्ण वाली काल रात्रि ही काली है। बहुत ही भयभीत करने वाला कुछ लोगों के लिए स्वरूप हो सकता है, अत्यंत ही भयंकरी मानी गई है, भय को उत्पन्न करने वाली वाला स्वरूप है इनका, लेकिन किसके लिए? सिर्फ पापियों के लिए है। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो, इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है। अग्नि भय हो, जल भय हो, जंतु भय हो, शत्रु भय हो, रात्रि भय हो, कभी ये सब तो हमारे पास नहीं आते, और इनकी कृपा से मनुष्य सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। देवी काल रात्रि का रंग काजल के समान काले रंग का है, अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है, और इतना काला होने के बावजूद भी बहुत ही कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। इनके केश बिखरे हुए हैं, इनके कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है, और शास्त्रों में देवी काल रात्रि को त्रिनेत्री कहा गया है। इनके तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें प्रज्वलित होती रहती हैं, और देवी अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती हैं। इनके बाल खुले हुए हैं, हवा में लहराते हैं, कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है, इनकी नासिका से श्वास तथा निःश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है, और शास्त्रों में इन्हें चतुर्भुजी अतः चार भुजाओं की देवी माना गया है। दाहिनी ओर की ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान देती हैं, नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान करती हैं, बाई भुजा में क्रमशः तलवार और खड़ग धारण किए हैं, और शास्त्रों के अनुसार देवी काल रात्रि गधे पर विराजमान है। उनका यह रूप, विचित्र सा रूप, अपने भक्तों के लिए बहुत ही शुभ है, अतः इन्हें शुभंकरी देवी भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार माता काल रात्रि ही भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इन्होंने ही संसार को मोह में डालकर एक दूसरे से जोड़कर रखा हुआ है, और मधु कैटब से अपनी रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने काल रात्रि देवी की स्तुति कर विष्णु भगवान को योग निद्रा से जगाने की प्रार्थना की थी। और देवी काल रात्रि ही महामाया है, और इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं, और सहस्त्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ काल रात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का भागी हो जाता है, समस्त पाप विघ्नों का नाश होता है, और अक्षय पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि की साधना का संबंध शनि ग्रह से है। इनकी दिशा पश्चिम है। निवास में बने वो स्थान जहाँ पर बेडरूम हो, जंक स्टोर रूम हो, फूड स्टोर रूम हो, अथवा जिन व्यक्तियों का घर पश्चिम मुखी हो, अथवा जिनके घर पर पश्चिम दिशा में वास्तु दोष हो, उन्हें काल रात्रि की उपासना सर्वश्रेष्ठ फल देती है। काल रात्रि की आराधना का समय सबसे अच्छा होता है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सुबह,
या फिर शाम को आप 4 बजे से 6 बजे तक का समय में पूजन करें, या रात्रि में 10 बजे के बाद आपको पूजन करना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ के सामने घी का दीपक जलाएं, लाल रंग के गुड़हल के पुष्प आदि अर्पित करें। माँ को स्नान आदि, आपके पास मूर्ति आदि है तो स्नान आदि जैसे अभिषेक करते हैं वैसे कीजिए, और पूरे समय मन में धीमी धीमी शब्दों में बोलते रहें, क्लिम एम श्री कालिकाय नमः, क्लिम एम श्री कालिकाय नमः। इस प्रकार से माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए। माँ का बीज मंत्र है, या फिर आप ओम एम रिम क्लिम काल रात्रि नमः, क्या बोलेंगे, ओम एम रिम क्लिम काल रात्रि नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार से माँ का जप करें। हे माँ सर्वत्र विराजमान और काल रात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ मुझे पाप से मुक्ति प्रदान करें। एक वेणी जपा कर्ण पुरा नग्ना करा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका का कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरनी, वाम पादोल्लसल्लोह लता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा, कालरात्रि भयंकरी। इस प्रकार से मंत्रों का जप करके माँ का आवाहन करें, और ओम ऐं रिम क्लिम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं रिम क्लिम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं रिम क्लिम चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार से आप जप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ को गुड़ का भोग लगाइए और फिर माँ की आरती करना चाहिए, अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। भोग लगाने के बाद दान अवश्य करना चाहिए, 1 थाली भोजन की ब्राह्मण को दान दक्षिणा के साथ देनी चाहिए। इस प्रकार से माता की पूजा करने पर व्यक्ति पर आने वाले रोग दोष शोक जो होते हैं उससे मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन उपवास कर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम किए जा सकते हैं। इस दिन शाम को प्रसाद के रूप में 7 चीकू का भोग भी माँ को लगाना चाहिए, और इस दिन काली मिर्च के दाने से ओम क्लिम इस बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद अपने परिवार के ऊपर से इसे उतार कर घर के दक्षिण दिशा में फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से आपके शत्रु शांत होते हैं। आज के दिन काली मिर्च के उपाय विशेष रूप से किए जाते हैं। इन उपायों को करने से आपका रुका हुआ धन वापस मिलता है, आपका पैसा वापस मिलता है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, हर काम में आपको सफलता मिलने लगती है। कैसे करना है, लगातार अगर धन हानि हो रही है, परेशान है, जेब खर्च कम करना चाहते हैं, तो काली मिर्च के 5 दाने आपको लेने हैं और इसे 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। और इसके बाद रात के समय ये उपाय आपको रात को करना चाहिए 10:30 के बाद, ताकि कोई देखे ना, किसी चौराहे पर चले जाइए, सुनसान जगह पर चले जाइए और चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दीजिए और 1 दाना आसमान की ओर फेंकें। ध्यान रखें इस उपाय को करने के बाद पलट कर नहीं देखना है कि दाना कहाँ गिरा, जो आपने ऊपर उछाला था उसे गिरने दीजिए जहाँ गिरना है, बिना मुड़ी देखे वापस अपने घर चले आए। अगर पति पत्नी में विशेष रूप से दूरियाँ बन गई हो तो टेंशन मत लीजिए, 5 काली मिर्च के दाने ले लीजिए और इसके बाद इसे लेकर किसी सुनसान स्थान या नदी के पास जाकर इन दानों को अपने सिर से 21 बार वार करके इसमें से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंकना है। 1 बचा हुआ दाना आप ऊपर आसमान की तरफ फेंकें। इसके बाद जो भी आपके पति पत्नी नाराज़ हैं उनका नाम लेना चाहिए, और इस प्रकार से उपाय करने के बाद आप सीधा घर लौट करके आ जाइए, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। सच्चे मन से किया गया ये उपाय ज़बरदस्त कारगर होता है। अगर आपके भी घर पे नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई है तो काली मिर्च का उपाय आज के दिन करना बिल्कुल ना भूलें। 7-8 दाने आपको काली मिर्च के लेने हैं और 1 दिया ले लीजिए। दिए में आप चाहें तो थोड़ा सा कपूर ऐड कर सकते हैं, या फिर 1 रुई की बाती थोड़ा सा तेल डाल के ऐड कर सकते हैं, और 7-8 दाने जो आपने काली मिर्च के साबुत लिए हैं इस दिए में डाल देना है और इसे आपको घर के पश्चिम दिशा में रखना है। आप देखेंगे धीरे धीरे जो दाने जल जाएंगे उससे आपकी, जैसे जैसे जलेंगे दाने आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उसके साथ ख़त्म हो जाएगी, आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं।
दोस्तों, जिन लोगों को आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है उनके लिए एक विशेष उपाय बता देती हूँ। आपको 5 ग्राम हींग लेना है, 5 कपूर की टिक्कियाँ लेनी है, 6 काली मिर्च लेना है और छोटे छोटे सभी को कूट कर दाने बना लेने हैं। फिर सुबह शाम आपको नियमित रूप से घर में दोनों समय इसे जलाना है। आप देखेंगे इस उपाय से आपके घर की सारी परेशानियाँ, चाहे वो दुख दारिद्र हो, रोग शोक हो या किसी प्रकार की आर्थिक समस्याएँ हों, ये सभी दूर होने वाली है। दोस्तों, काली मिर्च को हम शनि का कारक भी मानते हैं और काली मिर्च, काले कपड़े में काली मिर्च और पैसे बांध करके जो भी मनुष्य आज के दिन दान करता है, विशेष रूप से माँ काली उन पर भयंकर रूप से प्रसन्न होती है। साथ ही साथ शनि की ढैया आदि चल रही है, 7.5 आदि चल रहे हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को आज के दिन एक निष्ठ भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ की उपासना करनी चाहिए। कुछ चढ़ाए ना चढ़ाए, चुपचाप बैठ करके माँ का नाम ले, ओम श्री कालरात्रि नमः, ओम श्री कालरात्रि नमः, इस प्रकार से जप कीजिए। यम नियम संयम का पूर्ण पालन करते हुए दिन को बिताएं। मन वचन काया की पवित्रता रखते हुए दिन को व्यतीत करें। किसी को नाराज़ ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें। इस प्रकार से दोस्तों, चहेती मैया काल रात्रि है, सप्तमी तिथि है नवरात्र की, तो माँ को मना लें और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपकी ज़िंदगी की नैया पार लगती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से कुछ करें ना करें, इस कथा को कम से कम अवश्य सुने सुना, ये भी माँ की भक्ति और प्रचार का तरीका है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, कलकत्ता वाली काली मैया की जय, दक्षिण काली की जय।